नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 अप्रैल दिन शुक्रवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जमीन मापी की प्रक्रिया में होगा बदलाव। सक्षमता परीक्षा 2.0 का आज से भरे फॉर्म। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज। सरकारी स्कूल के ड्रेस को लेकर के पाठक ने दिया नया आदेश। वोटिंग से पहले अपने पोलिंग बूथ की ऐसे ले जानकारी। वेटिंग टिकट कैंसिलेशन के नियमों में रेलवे ने किया बदलाव। आईपीएल 2024 में आज कोलकाता और पंजाब की टीम के बीच होगा मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए निकाली भर्ती। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 मई 2024 है। बता दें कि ये भर्ती कुल 506 पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा इस भर्ती के लिए 20 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में जमीन मापी की प्रक्रिया में होगा बदलाव। बिहार में जमीन मापी की प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। मालूम हो कि जमीन की मापी के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा कुछ दिनों पहले से ही शुरू हुई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव होने जा रहा है। बताया जाता है कि कर्मचारी स्तर पर आवेदनों के निपटारे में लापरवाही की बात सामने आई है या अन्य किसी कारणों से इसमें देरी आई है। इसे ठीक करने के लिए अब बदलाव होने जा रहा है। अब आवेदकों को कर्मचारी के पास नहीं भेजा जाएगा, सीओ के द्वारा सीधे जमीन के पास इसे भेजा जाएगा। प्रक्रिया में कर्मचारियों की भूमिका को पूरे तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा 2.0 का आज से भरे फॉर्म। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए एक और मौका दिया जा रहा है। बीएसईबी ने सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरने की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके बाद आज से सक्षमता परीक्षा 2.0 का फॉर्म भरा जा सकता है। आगामी 4 मई तक इसे स्वीकृत किया जाएगा। फिलहाल परीक्षा की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि मई के दूसरे सप्ताह में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मालूम हो कि बिहार बोर्ड की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। पहले सक्षमता परीक्षा का परिणाम बोर्ड ने जारी कर दिया है, इसके बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा होगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे निधि यशा के बारे में। निधि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। इनका जन्म आज के दिन यानी 26 अप्रैल वर्ष 1983 को बिहार के पटना में हुआ था। इन्होंने ही जीटीवी के बुध और स्टार प्लस के महाभारत के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। इन्होंने जीटीवी पर आने वाले शो शोभा सोमनाथ की शो में भी अपने काम के लिए भारतीय टेलीविजन और इंडियन टेली पुरस्कार जीता था। इसके अलावा ये स्वास्तिक पिक्चर के लिए भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम कर चुकी हैं। सरकारी स्कूल के ड्रेस को लेकर के पाठक ने दिया नया आदेश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक नया आदेश जारी किया है। सरकारी स्कूलों के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार अब स्कूली ड्रेस के लिए बच्चों को ड्रेस नहीं मिलेगी। मालूम हो कि पहले कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल के बच्चों को ड्रेस के लिए पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नियमों में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार अब बच्चों को सीधे सिली सिलाई पोशाक दी जाएगी। सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा विभाग ने इसके लिए निविदा की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बताया जाता है कि शीघ्र ही इसके लिए एजेंसी तय की जाएगी। वोटिंग से पहले अपने पोलिंग बूथ की ऐसे ले जानकारी। लोकसभा चुनाव चल रहा है, आज दूसरे चरण की वोटिंग है। मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में वोटिंग से पहले ऑनलाइन अपने पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in पर इसके लिए विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद मतदान बूथ के बारे में पता करने के लिए आपको 3 विकल्प मिलेंगे। सर्च बाय EPIC नंबर, सर्च बाय डिटेल्स, सर्च बाय मोबाइल नंबर का डिटेल आपके सामने होगा। इसके बाद इन तीनों ही ऑप्शन की मदद से आप अपने पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज किले की तरह दिखेगा दरभंगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के द्वारा देश के 4 शहरों में सिग्नेचर टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इन 4 शहरों में बिहार का दरभंगा जिला भी शामिल है। इसके बाद अब दरभंगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल राज किला के जैसा दिखेगा। AAI की ओर से इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि एयरपोर्ट्स की टर्मिनल बिल्डिंग में उस शहर की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक झलक साफ तौर पर देखने को मिले। दरभंगा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है। इसे फोर्ट का स्वरूप देने की पूरी कोशिश की जाएगी।
एटीएम से फटे पुराने नोट निकालने पर करे ये काम। एटीएम से कई बार फटे पुराने नोट निकल आते हैं, ऐसे में कई लोग परेशान हो जाते हैं। आरबीआई के नियम के अनुसार आप चंद मिनटों में इन नोटों को बदल सकते हैं। अगर फटा पुराना नोट निकल आता है तो उसे आपको एटीएम लिंक्ड बैंक में जाकर जमा करना होगा। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, इसमें पैसे निकालने की तारीख समय आदि की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा एटीएम स्लिप की कॉपी को भी अटैच करवाना है। वहीं स्लिप नहीं होने पर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल की कॉपी देनी होगी। इसके बाद तुरंत ही बैंक आपके फटे और पुराने नोट को बदल देगा। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे इंद्रपुरी बैराज के बारे में। ये बैराज भारत में बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी पर बनाया गया है। ये बैराज 1407 मीटर लंबा है, जो दुनिया के चौथे सबसे लंबे बैराज में अपना स्थान रखता है। इस बैराज के पास ही इको पार्क का निर्माण करवाया गया है। यहाँ ठंडे के समय में कई साइबेरियन पक्षी और प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। यहाँ से नज़ारे बेहद ही प्रिय लगते हैं। यदि आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। बिहार में अब तक 30% आयुष्मान कार्ड का हुआ निर्माण। बिहार में अब तक लग चुका 30% ही आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। कुल 8.71 करोड़ कार्ड बने हैं, लेकिन अलग अलग जिलों में 2,86,40,000 आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। वहीं अब आयुष्मान कार्ड को बनाने में तेजी आए, इसके लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों को सम्मानित किया जाएगा। समीक्षा में ये बात निकलकर सामने आई है कि मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी, समस्तीपुर और सिवान में लक्ष्य के अनुसार 180% उपलब्धि हासिल हुई है। वहीं किशनगंज, औरंगाबाद और सिवान आदि जिलों में लक्ष्य से 130% अधिक उपलब्धि हासिल हुई है। वेटिंग टिकट कैंसिलेशन के नियमों में रेलवे ने किया बदलाव। टिकट कैंसिलेशन से रेलवे की कमाई होती थी, लेकिन इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब रेलवे ने इस नियम में बदलाव किया है। वेटिंग टिकट कैंसिलेशन के चार्जेस को लेकर नियम में बदलाव हुआ है। अब वेटिंग और आरएसी टिकट कैंसिलेशन में रेलवे की ओर से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। टिकट की वेटिंग या आरएसी में होने पर सर्विस चार्ज के तौर पर एक्स्ट्रा रुपये नहीं लिए जाएंगे। नए नियमों के अनुसार निर्धारित 60 रुपये काटे जाएंगे। स्लीपर में 120 रुपये काटे जाएंगे। थर्ड एसी के टिकट को कैंसिल करने पर 180 रुपये कटेंगे। सेकेंड एसी का टिकट कैंसिलेशन पर 200 और फर्स्ट एसी का टिकट कैंसिलेशन करने पर 240 रुपये काटे जाएंगे। पहले सर्विस चार्ज के रूप में तगड़ी रकम की वसूली की जाती थी। भूमि अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज होंगे ऑनलाइन। भूमि अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन हो जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी जिलों को इससे संबंधित आदेश भेजे गए हैं। सभी समाहर्ताओं को इससे अवगत कराया गया है। साथ ही काम में तेजी लाने का आदेश है। सभी जिलों को तेजी से कार्य का निष्पादन करने का आदेश दिया गया है। बताया जाता है कि कार्य की प्रगति काफी धीमी है, इस पर नाराजगी भी जताई गई है। आपको बता दें कि सभी दस्तावेजों को डिजिटलाइज्ड करने का निर्देश है। इसका उद्देश्य है कि सालों तक डेटा को सुरक्षित रखा जा सके, साथ ही इसे खोजने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज। बिहार में 5 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। सुबह के 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली है। मालूम हो कि दूसरे चरण के चुनाव में बिहार में भाजपा का एक भी प्रत्याशी नहीं है। एनडीए के घटक दल जदयू ने सभी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के 3 प्रत्याशी और राजद के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज पूर्णिया, भागलपुर, बांका, कटिहार और किशनगंज में मतदान होगा। 5 सीटों पर 50 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसमें 47 पुरुष और 3 महिला प्रत्याशी हैं। ट्रेन की गेट पर बैठकर यात्री अब नहीं कर पाएंगे सफर। ट्रेन की गेट पर बैठकर आने वाले समय में यात्री अब सफर नहीं कर पाएंगे। रेलवे के द्वारा वंदे भारत और तेजस ट्रेन की तर्ज पर अब सभी रेलवे LHB यानी लिंक, हाफमैन, बोस रैंक वाले कोच में बदलाव होने जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर LHB रैंक की बोगियों में स्वचालित स्लाइडिंग गेट लगाए जाएंगे। रेलवे बोर्ड के सिविल इंजीनियरिंग निदेशक ने सभी GM व निर्माण यूनिट को इससे संबंधित जानकारी दे दी है। स्लाइडिंग गेट लग जाने के बाद पायदान के पास बैठने यात्रियों को बोगी के अंदर ही बैठना होगा। स्लाइडिंग गेट ऑटोमेटिक ही खुलेगी और बंद भी होगी। इससे यात्री गेट पर ना खड़े हो सकेंगे और ना ही बैठ सकेंगे। इसकी तैयारी अब अंतिम चरण में है। आपके अनुसार ये रेलवे का सही कदम है या नहीं, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
इस मामले में राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को पटना हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। एक महत्वपूर्ण निर्णय में अदालती आदेशों के पालन में विलंब होने पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य के विश्वविद्यालय प्रशासन को फटकार लगाई है। फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा है कि संवैधानिक कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद भी याचिकाकर्ता को यह निश्चित नहीं हो पाता है कि कोर्ट के आदेश का लाभ मिलेगा भी या नहीं। आगे कहा गया कि राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अपने खिलाफ पारित आदेश के खिलाफ ना तो सालों तक कोई अपील करती है, ना ही हाई कोर्ट के आदेश का समय पर अनुपालन करती है। जब कोर्ट द्वारा अवमानना का नोटिस मिलता है तभी कार्रवाई करने लगते हैं। तपती गर्मी के बीच प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना। इस तपती गर्मी में प्रदेश के कई जगहों पर हीट वेव जैसे हालात देखने को मिल रहे थे। लू को लेकर मौसम विभाग द्वारा लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे थे, लेकिन अब इसी बीच प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल 27 या 28 अप्रैल को प्रदेश में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, बक्सर, रोहतास और भभुआ में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। साथ ही आज भी पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, शेखपुरा, गया, जमुई, बांका, भागलपुर, पूर्णिया में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना के होटल में आग लगने की घटना से सीएम नीतीश और विधानसभा अध्यक्ष दुखी। बीते दिन राजधानी पटना के एक होटल में आग लगने की घटना सामने आई है। खबर लिखे जाने तक इस अगलगी में 6 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है, वहीं कई लोग जख्मी हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इस अगलगी की घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना जंक्शन के पास होटल पाल में आग लगने की घटना में 6 लोगों की जान जाना दुखद है। घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया गया है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। गोपालगंज पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान होना है। इससे पहले बीते दिन गोपालगंज पुलिस ने 2 करोड़ की स्प्रिट को जब्त किया है। यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर कुचाय कोट थाने की पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक ट्रक से हरियाणा से लाई गई 98 ड्रम शराब की बरामद किया है। साथ ही 3 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इसे खपाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने साजिश को नाकाम कर दिया। जब्त स्प्रिट की 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने पहले भी इस तरह की कार्रवाई की है। मई और जून के महीने में नहीं गूंजेगी शहनाई। कहते हैं शादियों के लिए मई और जून का महीना काफी खास होता है, लेकिन इस बार मई और जून के महीने में शहनाई नहीं गूंजेगी। अगले 2 महीने के लिए शादी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। कहा जा रहा है कि इससे पहले ऐसा साल 2000 में हुआ था। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार अप्रैल के महीने में आज के दिन तक शादी का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद गुरु प्रधान राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, साथ ही सूर्य के साथ मिलान भी होगा। इसके कारण कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। वहीं बता दें कि 10 मई को अक्षय तृतीया होने की वजह से इस दिन अबूझ मुहूर्त होगा। ऐसे में 10 मई तक शादी हो सकेगी। पटना की तनिष्का ने मिस 3 अर्थ इंडिया का खिताब अपने किया नाम। हाल ही में जयपुर में देश की सबसे बड़ी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता मिस 3 डीवा 2024 का आयोजन किया गया था। देश के सबसे बड़े प्रतियोगिता में पटना की 15 साल की तनिष्का शर्मा ने मिस 3 इंडिया अर्थ का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस खिताब को जीत कर तनिष्का ने पूरे विश्व भर में अपना राज्य और अपने देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि तनिष्का का जन्म पटना में ही हुआ था, इसके अलावा वो यहीं पर बड़ी हुई हैं। इस खिताब को अपने नाम करने के बाद तनिष्का फैशन डिजाइनर बनना चाहती हैं। वहीं इस प्रतियोगिता के लिए इन्होंने 21 किलो वजन कम किया था। आज पीएम नरेंद्र मोदी मुंगेर और अररिया में करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में होगा। तीसरे चरण के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज अररिया और मधेपुरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मालूम हो कि मुंगेर में एनडीए के प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अनीता देवी के बीच मुकाबला होगा। ललन सिंह के पक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी आज लोगों से वोट अपील करेंगे। मुंगेर के हवाई अड्डा मैदान में पीएम आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अररिया के फारबिसगंज मैदान में पीएम की रैली। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 25 अप्रैल वर्ष 2006 में भारत और उज्बेकिस्तान ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।
आज के दिन वर्ष 2010 में बिहार सरकार ने बिहार के प्रसिद्ध चुनिया केले की ब्रांडिंग गंगा केले के रूप में करने का फैसला किया था। आज के दिन वर्ष 1920 में प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का चेन्नई में निधन हुआ था। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1932 में भारतीय दार्शनिक इसरार अहमद का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1929 में इंग्लैंड से भारत के लिए शुरू हुई पहली नॉन स्टॉप फ्लाइट लैंड हुई थी। भाजपा में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप ने कही ये बात। बीते दिन मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि इनकी मां उन्हें मनोज तिवारी के साथ दिल्ली लेकर आई है। मनीष कश्यप ने बताया है कि वो भाजपा के लोगों की वजह से ही जेल से बाहर आ सके हैं और उनके जीवन का बुरा दिन खत्म हो गया है। मनीष कश्यप ने कहा है कि अब बिहार को मजबूत करना उनका मकसद है। लालू परिवार ने बिहार को लूटा है। इधर मनोज तिवारी ने जानकारी दी है कि मनीष कश्यप जनता की परेशानियों को उठाते हैं। वो गरीबों का भला चाहते हैं और इसी मकसद से आज वो नरेंद्र मोदी के साथ आए हैं। आईपीएल 2024 में आज कोलकाता और पंजाब की टीम के बीच होगा मुकाबला। दोनों ही टीम मुकाबले के लिए तैयार हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की टीम ईडन गार्डन स्टेडियम में इस सीजन का 42वां मैच खेलेगी। मालूम हो कि श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में केकेआर ने अपने 7 में से 5 मैच जीते हैं, जबकि सैम करन की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने 8 में से सिर्फ 2 मैच अपने नाम किए हैं। कहा जा रहा है कि केकेआर की टीम ने अब तक के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया है। वो 10 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है, वहीं पंजाब की टीम 9वें स्थान पर है। आपके अनुसार पंजाब की टीम टॉप 4 में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। गूगल मैप पर लॉक स्क्रीन पर मिलेगी अब ये सुविधा। गूगल मैप यूजर्स के लिए लाइव एक्टिविटीज़ को टेस्ट कर रहा है। इसके जरिए ऐप की रियल टाइम नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन को लॉक स्क्रीन पर देखना संभव हो पाएगा। उबर जैसे ऐप पर यह फीचर पहले से ही मौजूद है, वहीं अब लोगों को गूगल मैप पर भी ये खास सुविधा मिलने वाली है। आईफोन यूजर्स को भी ये फीचर दी जाएगी। ये फीचर आईफोन पर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, जल्द ही आईफोन के यूजर्स के लिए भी ये फीचर उपलब्ध हो जाएगा। वहीं एंड्रॉयड यूजर्स को ये सुविधा दी जा रही है। जानकारी के अनुसार गूगल मैप का ये फीचर वॉक और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सपोर्ट करता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 19 अप्रैल, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल, ऑप्शन डी है 22 अप्रैल। इसका सही उत्तर 21 अप्रैल। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है डीडी न्यूज, ऑप्शन बी है डीआरडी, ऑप्शन सी है एलआईसी, ऑप्शन डी है रिलायंस। इसका सही उत्तर है डीडी न्यूज। हाल ही में कौन वन हेल्थ पहल के तहत एसओपी पेश करेगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है केरल। बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी ने, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी ने। इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है प्रफुल्ल चंद्र को, ऑप्शन बी है खुदीराम बोस को, ऑप्शन सी है केदारनाथ चटर्जी को, ऑप्शन डी है बाबा ठाकुर दास को। इसका सही उत्तर है खुदीराम बोस को। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जो उनके नाम है रवि कुमार राम, पंकज कुमार दास, कृष्णा प्रसाद, राजीव कुमार, मोहम्मद जाकिर हुसैन, रितेश यादव, राकेश मिश्रा, अतीक खान, साधुल्ला पालवी, शोभानंद ठाकुर, विकास दास। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या इस बार दूसरे चरण के चुनाव में बिहार में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।